नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं 7i। नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अलग झंडा, करोड़ों की आबादी, सात समंदर पार नित्यानंद ने बसाया हिंदू राष्ट्र। देश छोड़कर भागने वाले स्वयंभू बाबा नित्यानंद ने अब स्व घोषित हिंदू राष्ट्र बना लिया है। दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद से ही नित्यानंद की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह एक हिंदू राष्ट्र का मुखिया बन गया है। नित्यानंद के देश का नाम कैलासा बताया जा रहा है। नित्यानंद की स्व घोषित सीमा रहित हिंदू राष्ट्र की अपनी वेबसाइट भी है, जिसमें साफ लिखा है कि यह देश अपना अधिकार खो चुके हिंदुओं के लिए है। स्वयंभू बाबा नित्यानंद पर कर्नाटका में दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज है, तो वहीं गुजरात में उत्पीड़न को लेकर केस दर्ज है। 22 नवंबर को ही गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में नित्यानंद के आश्रम में छानबीन की थी, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। नित्यानंद का कथित हिंदू साम्राज्य कैलासा दुनिया के किस कोने में है, इसके बारे में फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद इस देश की वेबसाइट पर इसके बारे में अहम जानकारियां मौजूद हैं। वेबसाइट पर हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद भी उजागर किया गया है। इस हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा करना और मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वेबसाइट पर इस हिंदू राष्ट्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नित्यानंद के इस देश का अपना पासपोर्ट, झंडा, सरकारी विभाग, भाषा, स्कूल के अलावा भी काफी कुछ है। हालांकि प्राइमरी भाषा में अंग्रेजों को ही रखा गया है, जबकि संस्कृत को दूसरी और तमिल को तीसरी मूल भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू राष्ट्र कैलासा के राष्ट्र ध्वज का नाम ऋषभ है। त्रिकोणीय आकार वाले इस ध्वज पर भगवान परमा शिवा और नंदी बैल की तस्वीर छपी है। तस्वीर में नजर आने वाले भगवान परमा शिवा के 25 सिर और 50 हाथ नजर आ रहे हैं। माथे पर चंदा और गले में कंठी माला से ऐसा प्रतीत होता है कि ये भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। वेबसाइट पर राष्ट्रीय जानवर नंदी बैल बताया गया है। वेबसाइट पर इसकी तस्वीर भी अपलोड की गई है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बरगद का पेड़ इस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, जबकि चार पैरों वाले एक गोल्डन बर्ड को यह देश का अपना राष्ट्रीय पक्षी मानता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की यह बुनियाद कहां से पड़ी, इस बारे में भी वेबसाइट पर विस्तार से जानकारी दी गई है। वेबसाइट के अनुसार बताया गया है कि कैलासा देश की परिकल्पना अमेरिका में की गई थी। इसे सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। नित्यानंद के इस देश की अपनी सरकार है, जिसमें कई विभाग हैं। गृह विभाग से लेकर रक्षा, वाणिज्य, तकनीकी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग विभाग हैं। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यहाँ और भी कई तरह की सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। इस देश में रहने वाले लोग हिंदू धर्म के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और सादा जीवन जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी वेबसाइट पर जिक्र किया गया है कि इस देश के लोगों में योग को लेकर काफी ज्यादा सक्रियता है। कई तस्वीरों में हिंदू धर्म के देवी देवता नजर आ रहे हैं। वेबसाइट पर तीनों लोगों के देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर भी मौजूद है।